लहसुन में कंद का आकार कैसे बढ़ाए, लहसुन की पैदावार कैसे बढ़ाए। किसान भाइयों, मैं दिनेश ठाकड़, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की खेती को लेकर। लहसुन में कंद का आकार कैसे बढ़ाए, लहसुन की पैदावार कैसे बढ़ाए। आमतौर पर किसान भाई लहसुन की अच्छी पैदावार लेने के लिए कई प्रकार के स्प्रे भी करते हैं और कई प्रकार के खाद का उपयोग भी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही खाद का उपयोग न होने के कारण पौधे की ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती है, कंद का आकार भी हमेशा छोटा रहता है और पौधे में पीलापन भी आ जाता है, पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है, जिसे लहसुन के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस खाद का उपयोग सही समय पर करते हो तो आप निश्चित तौर पर लहसुन की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपसे छोटी सी विनती रहेगी, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की खेती को लेकर। लहसुन में कंद का आकार कैसे बढ़ाए, लहसुन की पैदावार कैसे बढ़ाए। किसान भाइयों, अधिकतर यह देखा जाता है कि जब लहसुन की फसल 40 से 50 दिन की हो जाने के बाद लहसुन में पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है, पौधे में पीलापन भी आ जाता है और कंद का आकार भी छोटा रहता है। इसके चलते किसान भाई कई प्रकार के खाद का उपयोग भी करते हैं और कई प्रकार के स्प्रे भी करते हैं तो भी पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है, पौधे में पीलापन भी दूर नहीं होता है, पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है, जिसे लहसुन की पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि लहसुन में पीलापन आना, पौधे की अच्छी तरह से बढ़वार नहीं होना, पौधे की जड़ें भी धीरे धीरे सूखने लगती हैं, जो लहसुन में ऊपर की चोटियाँ होती हैं वह भी धीरे धीरे सूखने लगती हैं। किसान भाइयों, इसमें कौन सा खाद का प्रयोग करें कि पौधे में पीलापन को किया जा सके, पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो और कंद का आकार भी मोटा हो, चमकदार हो, जिसे आप लहसुन की फसल से बम्पर उत्पादन ले सको। किसान भाइयों, हम बात करेंगे जब लहसुन की फसल 50 से 60 दिन की हो जाने के बाद ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस खाद का उपयोग सही समय पर करते हो तो आप निश्चित तौर पर लहसुन की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, बात करें अगर आपकी लहसुन की फसल 50 से 60 दिन की हो गई है तो आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों, पौधे में नाइट्रोजन की कमी से पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है, पौधे में पीलापन भी आ जाता है, पौधे की जड़ें भी धीरे धीरे सूखने लगती हैं, जो पौधे की ऊपर की चोटियां होती हैं वह भी धीरे धीरे सूखने लगती हैं। किसान भाइयों, इसलिए आप यूरिया का उपयोग जरूर करें। अगर आपने पहली सिंचाई में यूरिया का उपयोग किया है तो आप जब लहसुन की फसल 50 से 60 दिन की हो जाने के बाद थोड़ी कम मात्रा में यूरिया का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग भी कर सकते हो। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे कंद का आकार मोटा रहता है, जो कंद में फलियां आती हैं वह भी मोटी रहती है, मजबूत रहती हैं, फलियों का आकार भी मोटा रहता है, चमकदार रहती हैं। किसान भाइयों, इसमें पौधे की जड़ें भी मजबूत रहती हैं, नई नई जड़ों का विकास भी होता है, इसलिए किसान भाइयों आप यूरिया के साथ कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग जरूर करें। इसकी मात्रा की बात करें तो 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल 50 से 60 दिन की हो जाने के बाद आप यूरिया व कैल्शियम नाइट्रेट या दोनों खाद का प्रयोग जरूर करें, जिससे किसान भाइयों पौधे की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी, कंद का आकार भी मोटा होगा, जो इसमें फलियाँ आएगी वह भी मोटी रहेगी, चमकदार रहेगी, पीलापन भी दूर होगा, पौधे का सही तरह से विकास भी होगा,
जिससे आप लहसुन की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, समय समय पर सही खाद का उपयोग होना बहुत ही जरूरी है और समय समय पर स्प्रे करना भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप यह कार्य समय पर कर लेते हो तो किसान भाइयों, निश्चित तौर पर आप